बेरोजगारी देश की नहीं हर प्रदेश की एक बड़ी समस्या है और धीरे धीरे बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान सरकार ने इस बेरोजगारी को कम करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उद्यम है, इंडस्ट्री है, वहां राजस्थान के जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको 75% आरक्षण दिया जाएगा। सबसे पहले राजस्थान के युवाओं को वहाँ नौकरी मिलेगी। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार के इस फैसले से क्या फायदा उनको होने वाला है। आप बताइए, राजस्थान सरकार ने जिस तरह से ये फैसला किया है, क्या फायदा होने वाला है? राजस्थान सरकार, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। और निजी क्षेत्र की बात की जाए तो निजी क्षेत्र के अंदर अगर पिछले 6-7 साल की बात की जाए तो 6-7 साल के अगर आंकड़े देखे जाए तो उनके अंदर निवेश में तो काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन उनके अंदर जो एक बेरोजगारी की समस्या है वो भी अभी बनी हुई है। राजस्थान सरकार का जो छोटे लघु उद्योगों के अंदर जो 75% जो आरक्षण दिए जाने का जो प्रावधान किया है वो एक बहुत सराहनीय कदम है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने अभी एक बात कही कि युवा यहाँ परिपक्व नहीं है, उनको कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रोजगार पा सके। रोजगार तो बहुत है लेकिन युवा दक्ष नहीं है, कितना सही है? मैं इस बात को पूरा सही नहीं मानता। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही है, लेकिन भारत का युवा, या मैं कहूँ राजस्थान का युवा, जितना स्ट्रगलिंग और जितना आगे की सोचता है शायद किसी देश का युवा सोचता होगा। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो भी ये फैसला लिया है निजी क्षेत्रों में आरक्षण का, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तक तो ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ही था और अब ये प्राइवेट और निजी क्षेत्र के अंदर भी है। इससे ना केवल यहाँ का युवा जो कि दर दर भटकता था, बिहार हुआ, कोलकाता हुआ, बहुत सी अलग अलग जगह जाया करता था, वो सब यहीं रह कर के अपनी उद्यमिता का फायदा उठाएंगे, निवेश में उनका भी कुछ हिस्सा, उनके भी बुजुर्गों का खून पसीना मेहनत और लगता है, टैक्सेशन के थ्रू भी पैसा जाता है। और बहुत अलग अलग तरीकों से राजस्थान के लोग जो बाहर जा रहे हैं, उन बाहर ना जाकर के सिर्फ राजस्थान में ही काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ेगी। और इस चीज़ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं इस बात का कतई विरोध करता हूँ जो माननीय केंद्रीय मंत्री गंगवार जी ने कही है कि भाई युवा दक्ष नहीं है। युवा बहुत दक्ष है और अलग अलग तरीकों से अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत कर रहा है। जिस तरह से मंदी का एक दौर चल रहा है कि मंदी है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में मंदी चल रही है, छटनी हो रही है, ऐसे में राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 75% आरक्षण की जो बात कही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, कितना फायदा मिलने वाला है, कितनी नौकरियाँ उससे राजस्थान के युवाओं को मिलने वाली? सर, फायदा तो इसमें मिलेगा, काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब है वो कम है और जो लघु उद्योग है वो ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि सबको ये मिलना चाहिए, क्योंकि सब रोजगार मिले सबको, सभी तैयारी कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनके माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बाहर से पढ़ने आते हैं, तो सभी को मिलना चाहिए रोजगार। रोजगार सभी को मिलना चाहिए। आप बताइए कि जिस तरह से युवाओं की जो संख्या है, बेरोजगार युवाओं की संख्या है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है, रोजगार कम होते जा रहे हैं, निजी क्षेत्र हो, सरकारी नौकरियाँ हो, कैसे सरकार इस पूरे सिस्टम को भरेगी और युवाओं को रोजगार दिला पाएगी? उसके अलावा जो 75% आरक्षण है, इसके अलावा और क्या प्रावधान सरकार को करने चाहिए? सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में नई वैकेंसी निकालनी चाहिए जिससे कि बेरोजगारी कम हो सके, और भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे बेरोजगारी कम हो। बेरोजगारी कम हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से युवा अब एजुकेटेड हो रहा है, तकनीकी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जिस तरह से एजुकेशन ले रहा है, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरियों में 10 अगर पोस्ट हैं तो 1-1 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस सब को रोकने के लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, एक बात। दूसरा कि जिस तरह से सरकारें जब आती हैं चुनाव में, पार्टियाँ वो अपना एक मैनिफेस्टो बनाती हैं और मैनिफेस्टो में तमाम वादे युवाओं के रोजगार को लेकर करती हैं, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इतने हज़ार नौकरियाँ मिल जाएंगी, क्या ये सब वादे राजनीतिक दल और सरकारें पूरा कर रही हैं? ये तो सरकार, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब अपने वादे रखती है और कोई कोई सरकार तो अपना पूरा करती है, ऐसी बात नहीं है, हर सरकार अपना वादा पूरा भी करती है। और ये है कि हर सरकार पे हर वादा पूरा भी नहीं होता है, पर हमारे जितने भी लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, तो शिक्षा का ही ये सिस्टम है, तो बेरोजगार लड़के तो बहुत ज़्यादा ही है हमारे यहाँ पे। अब बताइए, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको खत्म करने के लिए आरक्षण जो दिया है निजी क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने, और क्या प्रावधान होने चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके? देखिए, आरक्षण के साथ साथ में सरकार को जगह भी काफ़ी निकालनी चाहिए जिससे बेरोजगारों को रोजगारी थोड़ा मिले। लघु कुटीर उद्योगों को भी देना चाहिए सरकार को, जिससे रोजगार प्राप्त हो, बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो। सरकार आरक्षण के मामले में तो खैर
कुछ कर रही है, लेकिन बेरोजगारों को जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें पैसों को भी कमी करनी चाहिए। राजस्थान सरकार हर फॉर्म में 500-500 रुपए लेती है और केंद्र सरकार भी 500 रुपए लेती है, इसको कम करना चाहिए। और स्टेट में सरकार कम रुपए लेती है। और आरक्षण के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो युवाओं का कहना है कि बेरोजगार युवाओं की संख्या ज़्यादा है, सरकार का जो कदम है, राजस्थान सरकार का कदम है, सराहनीय कदम है, निजी क्षेत्र में युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र में भी युवाओं को नौकरी के अवसर मिले ऐसा भी प्रावधान सरकारों को करना चाहिए। अब देखना है कि गहलोत सरकार के इस फैसले से राजस्थान के कितने युवाओं को फायदा मिलने वाला है, यह अभी आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ संजय वर्मा, R9 TV जयपुर।